Hey guys, how are you all? I'm Mukta Thir and we were doing Rajasthan folk goddess topic. With this video, we'll complete this topic. Folk goddess आज हमारा complete हो जाएगा. So without wasting time, let's start. हमने guys जो previous video था उसमें हमने कुछ जोधपुर की folk goddess हो गई, जोधपुर की अपने चित्तौड़ की, नागौर की, उदयपुर की, इनकी हमने folk goddess के बारे में बात किया था. आज हम शुरू करते हैं जयपुर की कुछ जो मतलब फोक गॉडेस है उनके बारे में. जो जो चीजें इम्पोर्टेंट है सब वही देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं ज्वाला माता की. ज्वाला माता, राइट? ज्वाला माता के बारे में दो चीजें ध्यान रखना. एक तो ये कि इनका जो टेम्पल है वो है जोबनेर के अंदर. जोबनेर कहाँ पे है? जयपुर में. जयपुर के जोबनेर में इनका टेम्पल है. एंड सेकेंड थिंग इज कि ये कुल देवी है, खंगारोत क्लैन जो है ना उनकी कुल देवी है. शी इज कुल देवी ऑफ खंगारूत क्लैन. खंगारूत क्लैन इनकी ये क्या है? कुल देवी है. ठीक है, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर. ज्वाला माता के अलावा एक और मतलब लोक देवी हैं जो कि है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, बात की ही है हमने पहले भी कई बार इनके बारे में. जमवाय माता. जमवाय माता जो है, जमवाय माता, अच्छा बताओ कौन सी ये मतलब जो डायनेस्टी है, कौन सा क्लैन है जिसकी ये कुल देवी है, इसके बारे में हमने बात किया था. इनका टेम्पल है, सबसे पहले तो टेम्पल देख लेते हैं. इनका टेम्पल है जमवा रामगढ़ में. टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? जमवा रामगढ़. जमवा रामगढ़ जयपुर के पास में, ठीक है ना. जयपुर, ब्रैकेट में जयपुर लिख देती हूँ जिससे कंफ्यूज ना होना. जमवा रामगढ़ जयपुर, यहाँ पे इनका टेम्पल है. और ये बताओ, याद आया कौन सी ये कुल देवी है, कौन सी डायनेस्टी की? जो कछवाहा डायनेस्टी थी उनकी ये कुल देवी है. ठीक है, कुल देवी जब इनका कछवाहा डायनेस्टी के अंदर जब इनका जन्म हुआ था, बुडवाय नाम था, तो कुल देवी ऑफ कछवाहा डायनेस्टी ये कुल देवी है. इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है. दो तीन बातें हैं, इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है. अन्नपूर्णा और उसके अलावा इनका जो ये टेम्पल है ना, जम्बा रामगढ़ वाला, इनका जो टेम्पल है वो किसने बनवाया था? दूल्हे राय ने बनवाया था. इनका जो टेम्पल है, दिस वॉज बिल्ट बाय दूल्हे राय. जो इनिशियल टेम्पल था इन माता का, वो बनवाया था दूला राय ने. ठीक है, तो जम्बा रामगढ़ और कछवाहा डायनेस्टी की कुल देवी है. अन्नपूर्णा भी बोला जाता है, उनका टेम्पल बनवाया था दूला राय ने. एक दो और है जयपुर की, एक यहीं पे ही लिख लेते हैं. जयपुर की एक और देवी है जिनका सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जयपुर से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा उनके बारे में डिटेल्स नहीं है. चलो नेक्स्ट भी बता देती हूँ. एक तो है क्योंकि नाम थोड़ा ऐसा है तो देयर इज अ चांस कि पूछा जा सकता है. एक है नकटी माता. नकटी माता, क्योंकि जो थोड़े से टिपिकल नाम होते हैं ना, वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं. नकटी माता, एकदम से क्लू नहीं आता कि भाई ये कहाँ पर होगा इनका टेम्पल. नकटी माता जो है ये भी जयपुर में इनका टेम्पल है. जयपुर में इनफैक्ट जो जय भवानीपुरा है वहां पे इनका टेम्पल है, और प्रतिहार पीरियड का बना हुआ ये टेम्पल है. तो ये कहाँ पर है इनका टेम्पल? इनका टेम्पल है एट जय भवानीपुरा जयपुर के अंदर इनका टेम्पल बना हुआ है. ठीक है, एक और है जयपुर की जो कि नाम थोड़ा सा टिपिकल था तो हम उसे देख सकते हैं. छींक माता. छींक माता ठीक है. छींक, हमें छींक आती है ना, तो वो नाम है, हिंदी में छींक बोलते हैं. छींक माता. छींक माता का भी टेम्पल जयपुर के अंदर है. और टेम्पल का जयपुर के अंदर कहाँ पे है इतना कोई डिटेल में पूछता नहीं है, बट वैसे गोपाल जी का रास्ता जो है, जो जयपुर के हैं वो तो जानते ही होंगे कि गोपाल जी का रास्ता कहाँ पर है, वहां पे इनका टेम्पल बना हुआ है. आप अगर सिर्फ जयपुर ध्यान रख लेंगे नकटी माता और छींक माता के कॉन्टेक्स्ट में, तो काफी सफिशियंट है. एग्जाम में बहुत डिटेल्स में जनरली नहीं पूछा जाता. गोपाल जी का रास्ता जयपुर, यहाँ पे है इनका टेम्पल. ठीक है,
छीक माता, नत्ती माता और एक हमने देखा ज्वाला माता और एक हमने अभी किया जमवाय माता। इसके अलावा सवाई माधोपुर के अंदर, यहीं पे देख लेते हैं, सवाई माधोपुर के अंदर चौथ माता का टेम्पल है। चौथ माता के बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है, बात की हुई है जब हमने फेयर्स वाला टॉपिक किया था। चौथ माता जो है ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका टेम्पल है और ये आराध्य देवी है कंजर कास्ट की। ये दो बातें ही हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है। चौथ माता, चौथ माता, ठीक है, चौथ माता का टेम्पल कहाँ पे है, इनका मंदिर बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है, मैं एस माधोपुर लिख रही हूँ, आप समझ जाना सवाई माधोपुर है, ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर। और ये कौन सी कास्ट की ये आराध्य देवी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि कास्ट का कई बार पूछ लिया जाता है कि इस कास्ट की कुल देवी या आराध्य देवी कौन है, तो पूछ लिया जाता है। तो ये कंजर कास्ट जो है उसकी आराध्य देवी है, आराध्य देवी ऑफ कंजर कास्ट, कंजर कास्ट, ठीक है, इनकी ये आराध्य देवी है। इसके अलावा बांसवाड़ा की एक है जिनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी या तुप्ताई माता, उनके बारे में दो चार बातें हैं वो देख लेते हैं। त्रिपुरा सुंदरी, नाम सुना होगा आपने इनका, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी या फिर एक और नाम है जिसका नाम है तुरतई, इन्हीं को ही तुरतई माता भी कहते हैं, तुरतई माता या फिर जहां माता लिखा है वहां पे आप फोक गॉडेस भी लिख सकते हैं, याद ऐसे रहता है कन्वीनियंटली इसलिए मैंने लिख दिया। त्रिपुरा सुंदरी या फिर तुरतई माता जो है, इनके बारे में हमें एक दो चीजें याद रखनी है कि एक तो इनका टेम्पल जो है वो तलवाड़ा में है, बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा है वहां पे। उसके अलावा ये जो पांचाल कास्ट है ना उसकी ये कुल देवी है, इनके भी 18 भुजाएं हैं, 18 आर्म्स हैं और इनका जो आइडल है वो ब्लैक कलर में है, कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये वसुंधरा राजे की आराध्य जो देवी है वो मानी जाती है, वो भी इतना मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो खुद ही पावर में नहीं है, ठीक है। तो हमें इनके बारे में जो दो चार चीजें ध्यान रखनी है वो एक तो है इनका टेम्पल कहाँ पर है। जनरली जो मतलब फोक गॉडेस का जो टॉपिक है वहां पे आपसे इनके टेम्पल के बारे में पूछा जाता है कि इनका मेन टेम्पल कहाँ पे है, या फिर एक दो कोई इम्पोर्टेंट चीजें जो उससे एसोसिएटेड होती हैं, बाकी बहुत डिटेल में जनरली इन टॉपिक्स में नहीं जाते क्योंकि बहुत सारी फोक गॉडेस हैं। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो इतनी सारी फोक गॉडेस हैं कि आपसे मतलब सिर्फ एक यही टॉपिक तो नहीं रह जाता ना करने के लिए। तो टेम्पल जो है वो इनका कहाँ पे है, तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर इनका टॉपिक, इनका मतलब टेम्पल है तलवाड़ा बांसवाड़ा, साउदर्न राजस्थान में पड़ता है, तलवाड़ा विलेज है बांसवाड़ा के अंदर, वहां पे इनका टेम्पल है और ये कुल देवी है पांचाल कास्ट की, कुल देवी ऑफ पांचाल, पांचाल कास्ट। अच्छा तब तक आप बताओ कि हमने एक और फोक गॉडेस के बारे में पढ़ा था जिनकी 18 आर्म्स थे, जिनकी 18 हैंड्स थे, 18 भुजाएं थी, नाम क्या था उनका बता दो फटाफट से। इनकी भी क्या है, 18 हैंड्स है या फिर आर्म्स लिख दो, ठीक है, 18 हैंड्स है। कौन सी है वो माता, अरे हमने पढ़ी हुई है, वेरी वेल सेड, नागनेची माता है ना, नागनेची माता के बारे में हमने देखा था, बस एक दो चीजें उनके बारे में इंपॉर्टेंट थी, मैंने वही बता दिया था आपको जब हम देख रहे थे फर्स्ट वीडियो ही तब, तो इसके बारे में देख लियो। और इनका जो आइडल है वो ब्लैक कलर के अंदर है, ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आइडल जो है वो इनका ब्लैक कलर के अंदर है। इनके बारे में ये चीज ध्यान रख लेना, दो चीजें इंपॉर्टेंट जो कि एक तो तलवाड़ा के अंदर है और एक पांचाल कास्ट में है, मतलब पांचाल कास्ट की कुलदेवी है, ठीक है। तो ये हो गया त्रिपुरा सुंदरी जो कि तुरतई माता है उनके बारे में। अब जैसलमेर की कुछ एक दो जो कि इम्पोर्टेंट फोक गॉडेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो आता है तनोट, तनोट माता, तनोट माता, इन्हें तनोटिया भी कहा जाता है, तनोटिया, तनोटिया, तनोट माता या तनोटिया। तनोट माता के काफी सारे और नेम भी हैं, इनके काफी सारे और निकनेम्स भी हैं, इनको रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, इनको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है क्योंकि जैसलमेर में है ना
तो थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, इनको जो BSF है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी गॉडेस भी कहा जाता है, क्योंकि इनका टेम्पल जैसलमेर के अंदर है। और ऐसा माना जाता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का जब मतलब वॉर हुआ था 1965 में, तो उस टाइम पे जो बॉम्ब्स गिरे थे उनको रिफ्यूट कर दिया था, मतलब उनको कहते हैं ना कि वो बॉम्ब फट नहीं पाए थे, जैसलमेर के अंदर गिरे थे यहाँ पर और फट नहीं पाए थे, वो कहा था कि इन माता की वजह से ही इन्होंने बचा लिया था। भाई सिंपल सी बात है, भाटी डायनेस्टी जो है उनकी ये इष्ट देवी है। तो ये दो चार बातें इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। तनोट माता के कई सारे नाम हैं, ये ध्यान रख लेना, नोन एज रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी। अब जो ये ऐसे इनके नाम होते हैं ना, अब इसमें आपसे कोई ऐसे हैंकर चीफ ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, मतलब ये ऐसे एज इट इज ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो रुमाल वाली देवी ही याद रख लेना, हर चीज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एग्जाम में तो ऐसे ही उठ के आ जाएगा। रुमाल वाली देवी बोला जाता है, इनका दूसरा नाम है थार वैष्णो देवी, थार की जो वैष्णो देवी है वो इनका नाम है वैष्णो देवी। उसके अलावा इनको बोला जाता है गॉडेस ऑफ आर्मी, या फिर गॉडेस ऑफ BSF बोल दो, आर्मी या BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। तो इसकी वो है, इनका टेंपल कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है, टेंपल है इनका एट जैसलमेर, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने She refuted bombs in Indo-Pakistan का जो वॉर था 1965, ठीक है। इन्हें ईस्ट देवी बोला जाता है, भाटी डायनेस्टी की ईस्ट देवी ऑफ भाटी डायनेस्टी, राइट। भाटी डायनेस्टी किनको ईष्ट देवी बोला जाता है, तनोट माता को। एक जैसलमेर की और हैं मतलब लोक देवी, उनका नाम है, उनका कई नाम से जाना जाता है, स्वांगिया माता भी बोलते हैं, आवड़ माता भी बोलते हैं, सुगनचिड़ी माता भी बोलते हैं, और इनको तेमड़ा राय माता भी बोला जाता है। तो इतने सारे इनके नाम है, स्वांगिया माता, स्वांगिया माता या स्वांगिया माता, उसके अलावा आवड़ माता, आवड़, सुगनचिड़ी भी नाम है इन्हीं का, सुगनचिड़ी, जस्ट अ सेकेंड, सुगनचिड़ी, ठीक है, सुगनचिड़ी माता हो गया। और इसके अलावा इनको तेमड़ा राय माता भी बोलते हैं। तेमड़ा नाम का एक डेमन था, कहा जाता है कि इन्होंने, जस्ट अ सेकंड, तेमड़ा नाम का एक डेमन था जिसको इन्होंने मारा था, और उसी जो हिल है तेमड़ा हिल, वहीं पर ही ये टेंपल इनका जो है वो बना हुआ है। इस वजह से इनको तेमड़ा राय माता भी कहा जाता है। ये इतने सारे नाम है इनके, स्वाइया माता, आवड़ माता, सुगनचिड़ी माता और ये तेमड़ा राय माता। इनके बारे में दो चीज ही कि ये जो भाटी डायनेस्टी है उसकी ये मतलब कुल देवी है स्वाइया माता जो है, इनका टेंपल जैसलमेर के अंदर है, वो जो पहले हमने देखा था वो ईष्ट देवी थी, ठीक है ना। ये कुल देवी है और इनको जो हिंगलाज देवी है, हिंगलाज माता जो है, उनका इनकार्नेशन माना जाता है। तो दो ही चीजें मेनली इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि एक तो इनका टेम्पल है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भी आवड़ माता का या सुगनचिड़ी माता का टेंपल कहाँ पे है, तो इनका टेंपल है जैसलमेर के अंदर, ठीक है, जैसलमेर के अंदर। कुल देवी किसकी है, भाटी डायनेस्टी की, कुल देवी और भाटी डायनेस्टी। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो किसी चीज में, तो आप सिर्फ ये याद रख लेना, कुल देवी भाटी डायनेस्टी की कौन सी है, तो वो ये है। अगर पीछे वाला नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कुल देवी को लेकर के कई बार, क्योंकि उनका जन्म उसी कुल में हुआ होता है, तो कुल देवी को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और ये इनकार्नेशन है, हमने देखा था हिंगलाज देवी का इनकार्नेशन भी कई बार
पूछ लिया जाता है, इनकार्नेशन ऑफ हिंगलाज, हिंगलाज देवी। जो हमने चार फोक गॉडेस जो कि हमने थोड़ी डिटेल में मतलब पढ़ी है स्टार्टिंग के फोर वीडियोस में इस सीरीज में, तो वो मतलब जो चार गॉडेस है उनमें से जनरली डिटेल्स में से क्वेश्चन बनते हैं। इन जो बाकी जो ये जो हम अभी कर रहे हैं देवियां वगैरह फोक गॉडेस, इनमें से क्वेश्चन जनरली आपको कि कौन सी मतलब नाम क्या है और वो कौन सी मतलब जगह पे उनका टेम्पल है, कौन सी जगह को बिलोंग करती हैं, या फिर वो कौन सी उसकी कुलदेवी है, यही जनरली क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले आप, नेक्स्ट देखते हैं सुगाली माता। सुगाली माता, सुगाली माता के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने 1857 के जो रिवोल्ट है उसके बारे में पढ़ा है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे उनकी ये मतलब आराध्य देवी थी सुगाली माता। और इनके बारे में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स के आरएस का, जब आप जो आरएस स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो देखेंगे, व्हेन यू कम टू नो कि इनके बारे में मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कि इनके 10 हेड्स और 54 हैंड्स थे, 10 सिर और 54 हाथ, ठीक है, वो इनके थे। तो ऐसा इनके क्वेश्चन आया था कि भाई ये कौन सी माता के हैं, तो इसलिए मैं आपको 18 आर्म्स भी याद करवा देती हूँ कि भाई ये मतलब कि कौन सी माता के हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, ये पाली के अंदर इनका मतलब वो है, ये पाली का जो अउवा जगह है वहां पे इनका टेम्पल बना हुआ है, ठीक है, पाली का अउवा। सबसे पहले देख लेते इनका टेम्पल कहाँ पे है, टेम्पल, टेम्पल एट अउवा पाली, अउवा पाली के अंदर, ठीक है। इनका जो आइडल है, इनका जो आइडल है उसके 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स या आर्म्स, ठीक है, 54 भुजाएं हैं, 54 आर्म्स हैं, 54 हाथ हैं उनके। और इन्हें बोला जाता है गॉडेस ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें बोला जाता है गॉडेस ऑफ 1857 रिवोल्ट। जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ये उसकी देवी मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ये जो ठाकुर थे ना, ठाकुर कुशाल सिंह, उन्होंने दो वॉर लड़े थे, आपको पता होगा, बिठोड़ा का, चेलावास का जो वॉर था, जो मतलब कि वॉर था, एक 8 सितंबर को हुआ था, एक 18 सितंबर को हुआ था, तो ये दो वॉर उन्होंने फाइट किए थे और इन्हीं जो माता है उन्हीं का आशीर्वाद से ये वॉर लड़ते थे, ठीक है। तो इन्हें ये जो है ये ईष्ट देवी मानी जाती है, ईष्ट देवी ऑफ आवास ठाकुर, आवास ठाकुर कुशल सिंह या कुशाल सिंह, सॉरी कुशाल सिंह, कुशाल सिंह चंपावत उनका पूरा नाम था, नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर, कुशाल सिंह याद रख लो कि वही काफी है। इनका अभी जो मतलब आइडल है सुगाली माता का, वो आपको पाली का जो ये बागड़ म्यूजियम है वहां पे मिलता है, ठीक है। इनका जो प्रेजेंट डे इनका जो आइडल है, ये जो मूर्ति है वो वहां पे रखी हुई है। सुगाली माता के अलावा एक दो और माताएं हैं जिनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो आ जाती है आपकी बाण माता, बाण माता, बाण माता जो है इनका टेम्पल है कहाँ पे, इनका टेम्पल है, इनका टेम्पल है नागदा उदयपुर के अंदर, बाण माता। बाण माता के बारे में आपने सुना होगा कि ये कुल देवी है, सिसोदिया डायनेस्टी जो थी उनकी कुल देवी रही हुई है। इन्हें बाराबड़ी माता भी कहा जाता है या बाराबड़ी माता भी कहा जाता है। जो बाण माता है, सबसे पहले तो इनका टेम्पल देख लेते हैं कहाँ पे है, टेम्पल एट जो नागदा है, नागदा में भी एक्चुअली में केलवाड़ा उदयपुर वैली जो है वहां पर है इनका टेम्पल, केलवाड़ा उदयपुर वैली, इतना नहीं याद रहे तो सिर्फ आप नागदा उदयपुर भी याद रख सकते हैं, नागदा उदयपुर के अंदर इनका टेम्पल है, ठीक है। नागदा कहाँ पे है, उदयपुर में, वहां पे इनका टेम्पल बना हुआ है, केलवाड़ा जो उदयपुर वैली है वहां पर बाण माता का। ये कुल देवी कौन सी डायनेस्टी की है, कुल देवी ऑफ सिसोदिया, सिसोदिया डायनेस्टी,
कुल देवी ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी। इनको क्या कहा जाता है, इनका एक और नाम है जो कि है बारबाड़ी माता, नोन एज, हिंदी में शायद इसका प्रोनंसिएशन थोड़ा सा दूसरा होगा, बारबाड़ी माता या बारबड़ी माता जो है वो इन्हें बोला जाता है। बाण माता हो गया। बाण माता के बाद में एक और देख लेते हैं हम घेवर माता के बारे में। घेवर माता, घेवर माता का जब हमने लेक्स किया था तो आपको ध्यान आ रहा है कौन सी जो लेक है उसकी पाल पे, उसके मतलब लॉन्ग साइड हमने इनका टेम्पल देखा था। याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, जब हमने राजस्थान का लेक वाला टॉपिक किया था तो राजसमंद लेक है ना, उसके पास में इनका टेम्पल बना हुआ है। इनफैक्ट इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ये इकलौती ऐसी माता है, इकलौती ऐसी फोक गॉडेस है जो कि बिना हस्बैंड के सती हो गई थी। ठीक है, टेम्पल कहाँ पे है इनका, राजसमंद लेक के पास में है, राजसमंद लेक, राजसमंद में। ठीक है, और ये क्या हो गई थी, ये सती हो गई थी, शी गॉट सती विदाउट हस्बैंड, विदाउट हस्बैंड, बिना पति के ये सती हो गई थी। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने देखा कुछ जो माता जो फोक गॉडेस हैं उनके बारे में। कुछ एक दो और भी मतलब कि फोक गॉडेस हैं राजस्थान की, ऐसे तो बहुत सारी हैं, जैसे कि जिलानी माता हो गई जो कि अलवर रीजन की है, एक विरात्रा माता है जो कि बाड़मेर की है, एक जल देवी भी है जो कि टोंक की है। तो काफी सारी देवियां हैं और भी हैं, ये तो मैंने आपको कुछ एक का नाम बताया, बट ये मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगी इसलिए मैंने आपको ये चीज कवर करवा दी। एक बार से फटाफट से रिविजन कर लें, जस्ट अ सेकेंड रिविजन कर लेते हैं फिर थैंक्स करेंगे। ठीक है, ज्वाला माता, ज्वाला माता हमने देखा जोबनेर में इनका टेम्पल है, ये कुलदेवी किसकी है, खंगारू क्लैन जो है ये उसकी कुलदेवी है। जम्वाय माता जो है इनका टेम्पल जम्वा रामगढ़ के अंदर है जयपुर में, और ये कछवाहा डायनेस्टी की कुलदेवी है, अन्नपूर्णा भी कहा जाता है इन्हें, टेम्पल बनवाया था दूल्हे राय ने। नकटी माता, छींक माता दोनों का ही टेम्पल जयपुर के अंदर है, हमारे काम के लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट चीज है कि इनका दोनों का टेम्पल कहाँ पे है, जयपुर में। चौथ माता जो है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका टेम्पल है, आराध्य देवी है कंजर कास्ट की। और त्रिपुरा सुंदरी या जो तुरतई माता है इनका टेम्पल तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, ये पांचाल कास्ट की कुल देवी है, 18 आर्म्स है इनकी और इनका आइडल ब्लैक कलर का है। इसके अलावा तनोट माता, तनोटिया माता, इनके काफी सारे नाम है, रुमाल वाली देवी भी बोलते हैं, थार की वैष्णो देवी भी बोलते हैं, गॉडेस ऑफ आर्मी बीएसएफ की भी इनको मतलब जो गॉडेस है वो बोला जाता है, टेम्पल इनका जैसलमेर में है। इन्होंने क्या किया था, इंडो पाक का जो वॉर हुआ था उसमें जो बॉम्ब्स थे उनको रिफ्यूट कर दिया था। ईर्ष देवी मानी जाती है भाटी डायनेस्टी की, जबकि भाटी डायनेस्टी की कुलदेवी जो है वो है स्वांगिया माता, आवड़ माता, सुगनचिड़ी, तेमड़ा राय माता, और इनका भी टेम्पल जैसलमेर के अंदर है, इन्हें हिंगलाज देवी का इनकार्नेशन माना जाता है। सुगाली माता, सुगाली माता का टेम्पल आउआ पाली के अंदर है, और ये जो आउआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह उनकी ईष्ट देवी है, इन्हें गॉडेस ऑफ 1857 के रिवोल्ट की जो गॉडेस बोला जाता है, आइडल है जो इनका आइडल है उसके 10 हेड्स और 54 हैंड्स हैं, और इनका जो अभी जो ये वाला आइडल है ये कहाँ पे रखा हुआ है, पाली का जो बांगड़ म्यूजियम है वहां पे रखा हुआ है। बाण माता, इनका टेम्पल नागदा उदयपुर के अंदर है, और ये कुल देवी मानी जाती है सिसोदिया डायनेस्टी की, और इन्हें बारबड़ी माता भी कहा जाता है। घेवर माता का टेम्पल राजसमंद लेक के पास में है, और ये बिना हस्बैंड के सती हो गई थी। अच्छा, अब एक मुझे फटाफट से आप बताओ कि ऐसी कौन कौन सी हमने अभी जितनी फोक गॉडेस की हैं उनमें ऐसी कौन सी मतलब कि फोक गॉडेस है जिनके 8 आर्म्स हैं या 8 हैंड्स हैं, जिसके बताओ कौन कौन सी है, 8 भुजाओं वाली किया है हमने, याद करें कौन कौन सी है। एक तो हमने देखा था जीन माता है ना, शिला देवी है उनके भी 8 हाथ हैं, और एक हो गई आपकी कैला देवी। ठीक है, इनके 8 मतलब जो आर्म्स हैं, कोई एक आधी छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा हमने देखा था कुछ मतलब जो ये फोक गॉडेस का टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो गया है, खत्म हो गया है, तो एक और चीज बता दो कि ऐसे कौन सी फोक गॉडेस हैं जिनका फेयर जो है वो वंस अ ईयर ही लगता है, साल में एक बार ही लगता है। कौन सी फोक गॉडेस हैं, की थी हमने, वेरी वेल सर, शीतला माता है, और कौन सी है, कैला देवी है,
और उसके अलावा ब्राह्मी माता का भी जो फेयर है वो भी वंस अ ईयर ही लगता है, ठीक है। और ट्वाइस अ ईयर किन का लगता है, ट्वाइस अ ईयर काफी सारी जो है, जैसे करणी माता हो गई, जीन माता हो गई, और आपकी ये शिला माता हो गई, चामुंडा माता हो गई, इन सबका लगता है जो फेयर है वो कहाँ पर, ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार इनका फेयर लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोक गॉडेस टॉपिक, फोक डाइटीज वाला जो हमारा टॉपिक था वो आज कवर हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक, and till then stay connected, and if you like the video then please do hit a like and share it with your friends. Theek hai ji, stay connected, bye.